हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक क्या होता है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे और साथ ही इकाई कोष्ठिका का अध्ययन करेंगे। देखिए, क्रिस्टल जालक में अपने पास क्या होता है कि कोई भी ठोस होता है उसके अवयवी कणों के त्रिविमीय आकाश में व्यवस्था होती है, यानी वो 3D के अंदर अरेंज होते हैं। तो उन अवयवी कणों को मिलाने के बाद अपने पास जो स्ट्रक्चर मिलती है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्रिस्टल जालक होता है। ठीक है, पहले ध्यान से आप क्रिस्टल जालक बनाना सीखें। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ध्यान से देखना, मार्कर पर ध्यान रखना कहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे इसको सबसे पहले अपने को इस तरीके से बनाना है। इसको बनाते टाइम अपने से गलती क्या होती है कि अपने स्पेस कम रखते हैं। देखो, इसको बनाते टाइम ध्यान रखना कि ये जितना स्पेस आपने यहाँ पे बन रखा है उतना ही स्पेस आप यहाँ पे रखोगे, इतना ही यहाँ और इतना ही यहाँ, यानी चारों दिशाओं के अंदर जो स्पेस रखा है आपने वो बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसके अंदर एक तीसरा और बनाएंगे। और इन चारों कोणों को हम इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, अब आगे कैसे बनाएंगे इसको, इसके और इसके बीच में एक समांतर रेखा फिर से खींचेंगे। ये खींच दी, नीचे वाली लाइन को सबसे नीचे वाली लाइन के साथ, बीच वाली लाइन को बीच वाली लाइन के साथ, और सबसे ऊपर वाली लाइन को सबसे ऊपर वाली लाइन के साथ इस तरीके से मिलाते हैं। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, इनके और इनके बीच मध्य एक समांतर रेखा और खींचेंगे इस तरीके से। अब इसको कैसे बनाएंगे, अपने यहाँ पर मिलाते हैं और ये थर्ड और ये एक लाइन यहाँ, ये अपने पास पूरा एक क्रिस्टल जालक बन गया। अब देखिए गौर से कि इस क्रिस्टल जालक को देखते हैं तो अपने को ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पर एक इकाई की पुनरावृत्ति हुई है। कैसे, कहां पे कौन सी इकाई की पुनरावृत्ति हुई है, देखो यहां पे इस चीज को नोट करना जो मैं ब्लैक डार्क ब्लैक कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, ये आपको लग रहा है कि एक यूनिट है इसकी, ये पूरा का पूरा क्या है, क्रिस्टल जालक है, जिसको अपने बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल जालक है वो किन से मिलकर बना हुआ है। आपको यहां पे इसकी एक यूनिट एक इकाई दिखाई दे रही है। अब आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि इसकी पुनरावृत्ति हुई है। देखिए कैसे, एक इकाई ये रही, ये वाली जो इकाई है वो इसके पीछे है। ठीक है, इसी तरीके से ये इसके बगल वाली और ये इसके बगल वाली, यानी कहने का मतलब चार इकाइयां नीचे होगी और चार इकाइयां ऊपर होगी अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो, और लगातार ये चीज़ें रिपीट होती रहती है। तो इस एकल इकाई का नाम है इकाई कोष्ठिका। क्या नाम है, इकाई कोष्ठिका। ठीक है, इसको अपने अलग से बना लेते हैं कि इकाई कोष्ठिका किस तरीके की होती है। ये बन गई इकाई कोष्ठिका, इनको बना करके सीख लेना, दो चार बार इसको बार बार रिपीट करोगे प्रैक्टिस करोगे तो ये बन जाएगी। ये बन गई इकाई कोष्ठिका या फिर इसका दूसरा नाम बोल देते हैं अपने एकक कोष्ठिका।
यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल होगी, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन अपने किस तरीके से बताएंगे, तो क्रिस्टल लैटिस की या क्रिस्टल जालक की हम डेफिनेशन बता देंगे कि भी ठोस के अवयवी कणों की त्रिविमीय आकाश में व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और क्रिस्टल जालक की जो एकलक इकाई होती है या जिस यूनिट की या जिस इकाई की पुनरावृत्ति से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई कोष्टिका एकक कोष्टिका बोलते हैं। अब देखिए कि इस इकाई कोष्टिका के अपने पड़ते हैं मापन के पैरामीटर, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इकाई कोष्टिका के मापन के पैरामीटर, के मापन के पैरामीटर। अब इनके मापन के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो मापन के पैरामीटर के अंदर आप गौर कीजिएगा, ये अपने पास एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या यूनिट सेल है जिसके अंदर तीन भुजाएं होती है, इसको हम बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी और ये बोल देंगे सी। यानी मापन के पैरामीटर के अंदर दो चीज़ें आती है, पहली कौन सी आती है, पहली आती है अक्षीय भुजा, अक्षीय भुजा जिसको हम किससे नापते हैं, ए बी और सी से नापते हैं। दूसरा इन तीनों के बीच में कोण, एंगल कौन सा होगा, तो ए और बी के बीच में कोण होगा वो ना तो अल्फा और ना बीटा होगा, कौन सा, गामा। इसी तरीके से बी और सी के बीच में गामा हो नहीं सकता, बीटा होगा नहीं, तो कौन सा होगा, अल्फा। और ए और सी के बीच में कोण कौन सा हो गया, एंगल कौन सा हो गया, बीटा। इनको आप एग्जैक्ट याद रखोगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी मापन के पैरामीटर के अंदर पहली कोण से आ गई अक्षीय भुजा और दूसरे कोण से आ गए अक्षीय कोण। अब अक्षीय कोण कौन से हैं वो देखिए, एक हो गया अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ध्यान रखना कि ए व बी के बीच हमेशा कौन सा कोण होगा, ना अल्फा ना बीटा, कौन सा होगा, गामा। बी व सी के बीच जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी और सी के बीच में अल्फा। और इसी तरीके से सी व ए के बीच जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, बीटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम में कोई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछते हैं कि यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका के मापन के पैरामीटर कितने होते हैं, तो आपको इसके अंदर जवाब देना है कि मापन के पैरामीटर टोटल होते हैं 6, जिसके अंदर दो अक्षीय भुजाओं और तीन अक्षीय भुजाएं नापने के और तीन अक्षीय कोण नापने के। अक्षीय भुजाएं होगी एबीसी और अक्षीय कोण होगे अल्फा बीटा गामा। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है ये कि यूनिट कोई भी ठोस होता है उसके अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, और उनकी जो निश्चित व्यवस्था है उसमें जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों को के केंद्रों को मिलाते हैं और जो स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होती है उसी के अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं इकाई कोष्टिका को कि यह इकाई कोष्टिका किस प्रकार की है। तो यहाँ पर अवयवी कण मौजूद है और इन अवयवी कणों को हम बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं जिनको हम बोलते हैं जालक बिंदु बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जालक बिंदु क्या होता है, तो इसके अंदर हम बताएंगे कि ठोस के अवयवी कणों को बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बिंदुओं इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कि ये जो इकाई कोष्टिका है उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये इसके कोने पर हो, ये इनके फलकों पर भी हो सकते हैं, किनारों पर भी हो सकते हैं और केंद्र में भी हो सकते हैं, किसी भी व्यवस्था के अंदर हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इकाई कोष्टिका के प्रकार। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए,
नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है इकाई कोष्टिका के प्रकार। हेडिंग लगाइए इकाई कोष्टिका के प्रकार। इकाई कोष्टिका के कौन से प्रकार होते हैं? अब ये भी कणों की व्यवस्था के आधार पर, तो इसके अंदर हम मेनली दो प्रकार बोल देते हैं। और कौन कौन से? जिसको अपने पहला बोल देंगे, एक होती है सरल या आद्य सिंपल यूनिट सेल एकक कोष्टिका, ठीक है, जिसको अपने इंग्लिश के अंदर लिख देंगे SCC, ठीक है, इसको अपने पढ़ेंगे अलग से। पहले अपने दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्टिका, केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। केंद्रित को फिर अपने आगे तीन भागों में डिवाइड करते हैं, वो बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। पहले आप देखिए सरल इकाई कोष्टिका क्या होती है। सरल इकाई कोष्टिका के अंदर देखिए, सबसे पहले आप ये बनाइए यूनिट सेल, और इसके अंदर यदि अवयवी कण केवल कहाँ पर मौजूद हो, किनारे कोनों पर मौजूद हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सरल एकक कोष्टिका। यानी डेफिनेशन बढ़ गई कि ऐसी इकाई कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोने पर उपस्थित हो। इसके अंदर आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि SCC में कुल जालक बिंदु कितने होंगे, जैसा कि मैंने इस डेफिनेशन के अंदर बताया कि केवल कोने पर मौजूद होते हैं, तो जालक बिंदु को हम कहाँ पे दिखाएंगे? केवल कोनों पर, और कोने कितने होते हैं? 8। तो कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी सरल एकक कोष्टिका में? 8 होगी। अब देखो नेक्स्ट केंद्रित एकक कोष्टिका, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए और अपने जो केंद्रित एकक कोष्टिका है उसको आगे फिर से तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसके फिर आगे चल के अपने कितने प्रकार बना लेंगे? तीन प्रकार। देखिए कौन कौन से। इसके अंदर जो पहला प्रकार आता है उसका नाम बोल देंगे अपने काय केंद्रित, काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड एकक कोष्टिका। दूसरा हम बोल देंगे फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका, और तीसरा हो जाएगा अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। इनको अगर आपने देखें तो इसको बोल देते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, जिसको अपने शॉर्ट में लिख देंगे BCC। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड, जिसको शॉर्ट में बोल देंगे FCC, और इसको बोलते हैं इक्लिप्स सेंटर्ड, जिसको ECC के नाम से जानते हैं। शॉर्ट के अंदर हम इनको इस नाम से जाने। काय केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है? देखिए ये हमने क्या बना ली, इकाई कोष्टिका। इस इकाई कोष्टिका में अवयवी कण कोने पर मौजूद होते हैं, परंतु इसके साथ साथ एक अवयवी कण कहाँ पर होता है? केंद्र में होता है। यानी ऐसी इकाई कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने पर और केंद्र में मौजूद होता है। अच्छा, इसके अंदर कुल जालक बिंदु कितने होंगे? तो जालक बिंदु कितने होंगे? 9 होंगे, 8 कोणों के और एक केंद्र का। फेस सेंटर्ड देखिए क्या होती है,
फेस सेंटर्ड के अंदर अपने बनाएंगे पहले यूनिट सेल, ये अपने पास बनेगी यूनिट सेल बनेगी इकाई कोष्टिका बनेगी, जिसमें अवयवी कण कोने पर उपस्थित होने के साथ प्रत्येक फलक पर होता है। और आपको पता है फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं घन में। इकाई कोष्टिका के अंदर फलक 6 हो गए। इस तरीके से अगर आपको पूछे कि इसके अंदर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो जालक बिंदु कितने हैं? 8 कोणों के, और प्रत्येक फलक पर एक प्रेजेंट है, तो 8 और 6 14 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आती है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। क्या होती है देखिए, पहले अपने वही काम करेंगे, यूनिट सेल बना लेंगे। ये बनेगी यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के अंदर जो अवयवी कण है वो कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ कोई भी दो आमने सामने के फलकों पर उपस्थित होते हैं। जैसे मैं एक बाएं और एक दाएं बना देता हूं, ये दो फलकों पर हो। इसी के अकॉर्डिंग पीछे वाला जो क्वेश्चन किया है उसी के आधार पर अपने बोल देंगे कि इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। जालक बिंदुओं की संख्या होगी 8 कोणे और 2 फलक, यानी कितने हो गए? 10 हो गए। और जालक बिंदु किसको बोलते हैं, ये चीज पीछे बता दी। ये जालक बिंदु प्रदर्शित करते हैं किनको? अवयवी कणों की, कणों को। नेक्स्ट देखिए, आप एक चीज ध्यान से समझना है इसको, कि अपने पास कोई भी इकाई कोष्ठिका जालक बिंदु है, उसके कोने पर यदि कोई परमाणु उपस्थित होता है तो वो परमाणु अणु या आयन, अथवा हम बोल सकते हैं अवयवी कण, कितनी इकाई कोष्ठिकाओं में जगह बना लेता है। देखिए इस बात को इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये अपने पास एक इकाई कोष्ठिका है, इसके कोने पर ये अवयवी कण उपस्थित है। अब ये अवयवी कण कितनी इकाई कोष्ठिकाओं में आ गया? एक तो यहां पे आ गया और एक इसके पीछे वाली, दो। इसी तरीके से एक यहां पे, 3, और एक इसके पीछे वाली, 4। और 4 ही इनके क्या होगी? ऊपर। यानी बेटा कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी परमाणु किसी इकाई कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित होता है तो कोने पर उस अवयवी कण का जो भाग होता है वो 1/8 भाग होता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात को समझे कि केंद्र में किसी अवयवी कण के कितना भाग होगा, तो देखो यहां पे ये परमाणु केंद्र में है। अब देखिए ये 4 अवयवी कण नीचे है और 4 ऊपर है, बीच में एक कण है जो केंद्र के अंदर है। वो केंद्र वाला कण अवयवी कण किसी भी फलक को, किसी भी किनारे को और किसी भी कोने को स्पर्श नहीं करता। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये केंद्र वाला अवयवी कण संपूर्ण उस इकाई कोष्ठिका के अंदर गिना जाता है। तो केंद्र में किसी अवयवी कण का भाग कितना होगा? 1। जैसे आप इसको बढ़ा सकते हो, बोल ले लेना, 4 बोल हमने नीचे रख दी 4 कोणों के ऊपर, 1 बोल इन चारों के बीच में रख दी, और इसी तरीके से 4 बोल उनके ऊपर रख दी। अब बीच वाली जो बोल है वो किसी भी किनारे, किसी भी फलक और किसी भी कोने को स्पर्श नहीं करती। यानी जब कभी भी कोई भी परमाणु किसी इकाई कोष्ठिका के केंद्र में मौजूद होता है तो उसका संपूर्ण भाग उसी एक कोष्ठिका में आ जाता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि भी फलक पर कितना भाग होगा किसी इकाई कोष्ठिका का, सॉरी अवयवी कण का। तो देखिए ये कोई भी इकाई कोष्ठिका है, इस इकाई कोष्ठिका के अंदर फलक, ये फलक है, ये फलक पर यहां पर कोई भी परमाणु है। ये देखो किसी भी किनारे को स्पर्श नहीं कर रहा है, लेकिन केवल फलक पर है। ये फलक वाला जो अवयवी कण है वो केवल और केवल 2 भागों में बंटेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं एक इकाई कोष्ठिका में ये फलक बनाता हूं और इस फलक पर यहां पर कोई अवयवी कण मौजूद है। अब इसका फलक, ये वाला जो फलक है, जैसे आप बोर्ड को डस्टर से समझ सकते हो,
ये वाला जो फलक है वो इसके साथ दूसरा जो डस्टर होगा उसी के साथ संपर्क में होगा, किसी के नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी परमाणु फलक पर है तो उसका भाग कितना होगा, 1/2 भाग होगा। अगर कोई परमाणु किनारे पर उपस्थित है, अब किनारे पर उपस्थित होगा तो उसका कितना भाग होगा, 1/4। कैसे कि देखिए, अगर ये इकाई कोष्टिका को मान ले अपने और ये किनारे के ऊपर कोई अवयवी हुई कण को रख दे, तो ये इसके पास वाली इकाई कोष्टिका 2 के अंदर डिवाइड हो गया और 2 इसके पीछे या आगे बोल दो, तो जब कोई भी अवयवी कण किनारे पर उपस्थित होता है तो वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब भी किनारे पर होगा तो उसका पार्ट होगा 1/4। नेक्स्ट एक चीज पर और गौर करना, कुल कोने कितने होते हैं, कोनों की संख्या यूनिट सेल में 8 होती है। केंद्र कितना होता है, केंद्र होता है 1। फलक कितने होते हैं, 6। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि बताओ किनारे कितने होते हैं, तो किनारे कितने होते हैं, 12। यह व्यवस्था होती है, कोने कितने होते हैं, किसकी संख्या कितनी होती है और प्रत्येक पर किसी अवयवी कण का कितना भाग आता है, वो सारी की सारी चीजें यहां पे आ गई। अब गौर कीजिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि SCC जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर कुल अवयवी कण कितने हैं, अणु परमाणु या आयन कितने हैं, तो कुल अवयवी कण कितने हैं हम कैसे निकालेंगे। SCC की डेफिनेशन के अंदर केवल और केवल अवयवी कण कहाँ पे है, कोने पर। कोने कितने हैं, 8, और एक कोने पर एक अवयवी कण का पार्ट कितना है, 8, 1/8 पार्ट है। टोटल परमाणु कितने हो गए, 1 हो गया। यानी SCC में कुल अवयवी कण कितने हो गए, 1 अवयवी कण हो गया। नेक्स्ट अपने पास आ गया, काय केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कितने हो गए, तो यहां पे हम बताएंगे कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण। अब कुल अवयवी कण कितने हैं, देखिए यहां पर उपस्थिति क्या है अवयवी कणों की, कोने पर है, कोने हो गए 8 और एक कोने पर पार्ट कितना, 1/8। प्लस और कहां पे अवयवी कण, केंद्र में, और केंद्र में भाग देखो क्या होता है किसी परमाणु का, 1 भाग होता है, तो प्लस 1, 1/8 से 8 कट गया और 1 और 1 2, यानी अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, BCC के अंदर 2 अवयवी कण हो गए। FCC के अंदर अवयवी कण निकाले तो इसके अंदर कुल अवयवी कण कितने हो गए, FCC में देखिए, FCC में अवयवी कणों की संख्या उपस्थिति कहां पर है, कोने पर और प्रत्येक फलक पर। अब कोने कितने, 8, और एक कोने पर पार्ट कितना, 1/8। प्लस हम क्या करेंगे, किसको काउंट करेंगे, फलक वालों को, फलक कितने, 6, और एक फलक पर पार्ट कितना, 1/2। फलक कितने, 6 इंटू फलक पर पार्ट कितना, 1/2। ये आ गया 3 और ये कट गया, 3 और 1 4, यानी FCC के अंदर कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट देखिए, अंत्य केंद्रित इकाई कोष्टिका के अंदर क्या होगा, अंत्य केंद्रित इकाई कोष्टिका के अंदर कुल अवयवी कण कितने, कुल अवयवी कण ECC के अंदर, तो इसमें अवयवी कण 8 कोने और प्रत्येक कोने का 1/8 भाग। इसी तरीके से दूसरे प्रकार के अवयवी कण कहाँ पे है, फलक पर उपस्थित है। फलक कितने फलकों पर है, 2 फलकों पर, और एक फलक पर पार्ट कितना, 1/2। ठीक है, 8 से 8 और 2 से 2, 1 और 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास रिजल्ट क्या निकलता है, कि रिजल्ट ये निकलता है, आप इसको
इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना चाहिए इन पूरी बातों को। अगर ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो इस चैप्टर का 60% पार्ट आप क्लियर कर चुके हो। कैसे? देखो, कुल अवयवी कण कितने हो गए? कुल अवयवी कण किसके अंदर? एससीसी के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? एक हो गए। बीसीसी के अंदर अवयवी कण दो हो गए। एफसीसी के अंदर अवयवी कण चार हो गए और ईसीसी के अंदर अवयवी कण दो हो गए। इस तरीके से ये अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि मेरे पास कोई भी एक इकाई कोष्ठिका है जिसमें अवयवी कणों की संख्या चार है, उस इकाई कोष्ठिका का प्रकार या उसकी प्रकृति बताइए, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? वो किस प्रकार की इकाई कोष्ठिका है? एफसीसी प्रकार की इकाई कोष्ठिका है। तो आप आज की क्लास के अंदर केवल इतना ही पढ़ लीजिए कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, इकाई कोष्ठिका क्या होती है, इकाई कोष्ठिका के मापन के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं और इकाई कोष्ठिका के प्रकार कितने होते हैं। तो चार प्रकार होंगे, ये चार प्रकार होंगे। आप केवल और केवल आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ें, इनको अच्छे से लिख लेना। थैंक यू।